साल के शुरू में ही Redmi उसका Note सीरीज इंडिया में लॉन्च कर दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि Redmi Note 12 Pro Plus बाय करना चाहिए या Redmi Note 12 Pro बाय करना चाहिए। आज इस वीडियो में दोनों फोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है या कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, कौन सा फोन आप लोगों को खरीदना चाहिए। डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। डिजाइन दोनों फोन का लगभग सेम है। Redmi Note 12 Pro के पास देखोगे बैक साइड की तरफ थोड़ा सा यूनिक डिजाइन देने का कोशिश किया है, ज्यादातर लड़कियों को ये डिजाइन पसंद आएगा। Note 12 Pro में स्टार डस्ट पर्पल कलर दिया है और इतना अच्छा कलर है, बहुत सारे लोग इसके डिजाइन देखकर फोन को खरीदेगा। फ्लैट एजेस के साथ आता है, लाइट वेट फोन है, हाथ में कंफर्टेबल फील भी देगा। Redmi Note 12 Pro Plus में भी बैक साइड की तरफ ग्लास बैक दिया है, यहाँ पे भी फ्लैट एजेस के साथ आता है और ये फोन पकड़ने में भी मजा आएगा। दोनों फोन में से Redmi Note 12 Pro स्लाइटली हल्का है। डिस्प्ले के पास देखोगे दोनों ही फोन में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों ही फोन में कंटेंट कंज्यूम मजेदार मिलेगा, चाहे वो नेटफ्लिक्स में हो या Amazon Prime में हो या कहीं भी आप लोग स्ट्रीमिंग कर रहे हो, अच्छी तरीके से आप लोग वीडियो वगैरह देख पाओगे या मूवी वगैरह कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ आप लोग देख पाओगे। दोनों ही फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है यूज करने में, ज्यादातर गेमर को ये पसंद आएगा। दोनों ही फोन को आउटडोर में काफी अच्छी तरीके से देख पाओगे। दोनों ही फोन सेम ब्राइटनेस के साथ आता है। डिस्प्ले में दोनों ही फोन सेम है। चलो परफॉर्मेंस के पास देखते हैं। दोनों ही फोन सेम परफॉर्मेंस के साथ आता है, यानी कि सेम प्रोसेसर के साथ आता है। MediaTek का Dimensity 1080 चिपसेट, काफी पावरफुल चिपसेट है, 5 लाख के आसपास अंततः स्कोर आता है। और दोनों ही फोन में जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो सेम मिलेगा। ऑप्टिमाइज वगैरह दोनों ही फोन में सेम है। दोनों ही फोन में स्मूथ एक्सट्रीम लेवल में आप लोग पबजी खेल पाओगे। दोनों ही फोन में पबजी स्मूथली चलता है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। परफॉर्मेंस में भी दोनों ही फोन विनर रहता है। तो कहां पे डिफरेंस है? बैटरी में भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही फोन में 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है और बैटरी काफी पावरफुल है। अगर आप स्क्रीन ऑन टाइम यूज करोगे 5.5 घंटा 6 घंटे तक चलेगा दोनों ही फोन। लेकिन डे टू लाइफ यूज करोगे, मतलब कभी कभार फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह कभी कभार देख लेना, कॉल वगैरह कर लेना, इस तरीके से यूज करोगे तो एक दिन आराम से जाएगा, फुल चार्ज करोगे तो दिन भर निकाल जाएगा। डिफरेंस है चार्जिंग में। Redmi Note 12 Pro Plus में 120 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है और Redmi दावा करता है कि 19 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन मेरे मानो तो 40 मिनट के आसपास लगता है फुल चार्ज होने के लिए, 40 मिनट या 35 मिनट ऐसा ही लगता है। तो मैं बहुत जल्द चार्जिंग टेस्ट लेकर आऊंगा, वहां पे क्लियरली बताऊंगा कि कितना जल्दी जल्दी फोन चार्ज होता है। लेकिन Note 12 Pro में मिलता है 67 वाट का फास्ट चार्जर और Redmi यहां पे बोला है कि 15 मिनट चार्ज करने के बाद आप फुल डे चला पाओगे इस फोन को। तो हम लोग ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, 15 मिनट चार्ज करेंगे 0% तक, 15 मिनट चार्ज करेंगे, देखेंगे कितना परसेंट तक चार्ज होता है। 15 मिनट चार्ज करने के बाद जितना ही परसेंट चार्ज होगा वहां से हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे चार्जर को और पूरे दिन इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे एक दिन जाता है कि नहीं और Realme का बात सच है कि नहीं, हम लोग टेस्ट करेंगे। लेकिन 67 वाट का फास्ट चार्जर फुल चार्ज करने के लिए टाइम लगेगा 50 या 45 मिनट के आसपास। दोनों ही फोन का कॉल क्वालिटी जबरदस्त है, कॉल क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों ही फोन में से किसी में भी आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल नहीं कर पाओगे। हाँ, रिकॉर्डिंग तो इनेबल कर पाओगे लेकिन दूसरे पर्सन को पता चल जाएगा, गूगल डायलर जो दिया है। लेकिन एक चीज बताऊं, एक ट्रिक है जिसके जरिए जो कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट है इसको आप बंद कर सकते हो। डेडिकेटेड मैं एक शॉर्ट्स बनाया हूं, कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो शॉर्ट्स जरूर चेक कर लेना, आप लोगों को मजा आएगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा, कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट को बंद कर पाओगे। डिफरेंस कैमरा में है। Redmi Note 12 Pro Plus में 200 megapixel का रियर कैमरा देखने को मिलता है और 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड, 2 megapixel का डेप्थ सेंसर, 16 megapixel का सेल्फी कैमरा है। Redmi Note 12 Pro में बैक साइड की तरफ 50 megapixel का प्राइमरी सेंसर है और ये सोनी का सेंसर है, सोनी IMX766 सेंसर, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड और 2 megapixel का डेप्थ, यहां पे भी 16 megapixel का सेल्फी कैमरा मिलता है। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, दोनों फोन का जो कैमरा सैंपल है ना, मैं लॉन्च इवेंट देखा था वहां पे बहुत डिफरेंस दिखाया है, लेकिन जब आप लोग दोनों फोन को साइड बाय साइड टेस्ट करोगे, जब आप लोग लाइव देखोगे कैमरा सैंपल, तो उतना ज्यादा आप लोगों को डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो डिटेलिंग के मामले में हो या पोर्ट्रेट मोड में जो बैकग्राउंड ब्लर हो या बहुत सारे कलर कॉन्ट्रास्ट में बोल लो, उतना ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को महसूस ही नहीं होगा। पिक्चर में अगर वाटर मार्क नहीं रहता है तो आप लोग पता लगा नहीं सकते हो कि कौन सा फोन का पिक्चर कौन सा है। लेकिन 200 मेगापिक्सल का काम है, अगर आप पिक्चर खींचते हो तो थोड़ा सा जूम करके देख पाओगे, पिक्चर फटेगा नहीं और डिटेलिंग भी काफी अच्छी
तरीके से दिखाई देगा, लेकिन 200 मेगापिक्सल से जब आप पिक्चर खींचोगे ना, एमबी बहुत ज्यादा आ जाएगा, लगभग 20-25 एमबी के आसपास आ जाएगा एक ही पिक्चर। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, आपके स्टोरेज जल्दी जल्दी भरेगा। 50 मेगापिक्सल से खींचोगे तो यहाँ पे 10-12 एमबी के आसपास होगा एक पिक्चर का साइज। सेल्फी कैमरा दोनों ही फोन का अच्छा है, डिटेलिंग वगैरह या कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह, स्काई वगैरह भी अच्छे तरीके से मेंटेन करता है दोनों ही फोन। डायनामिक रेंज में भी दोनों ही फोन जबरदस्त परफॉर्मेंस करता है। यहाँ पे और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बस बहुत सारे लोग नंबर देखकर फोन को खरीदेगा कि यहाँ पे 120 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है, यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, बस ये छोटे छोटे चीज देखकर बहुत सारे लोग अट्रैक्टिव होता है और फोन को खरीद लेता है। लेकिन जब खरीद के दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करता है ना, तब उन लोगों को पता लगता है ज्यादा पैसा हमने फोकट में उड़ा दिया जो उड़ाना नहीं चाहिए था। चलो प्राइस के बारे में बात करते हैं। Redmi Note 12 Pro का जो प्राइस है 6GB 128GB 25,000 रुपीस में मिलता है, लेकिन फास्ट सेल में ऑफर वगैरह लगाकर 21 या 22,000 रुपीस में Redmi Note 12 Pro आप लोगों को मिल जाएगा, ये सिर्फ फास्ट डे सेल के लिए, वरना Flipkart के ऊपर प्राइस अवेलेबल है 25,000 रुपीस 6GB 128GB वेरिएंट। Redmi Note 12 Pro Plus का जो बेस वेरिएंट है 8GB 256GB जो 8GB वेरिएंट, वो 30,000 रुपीस में आप लोगों को इंडिया में मिलता है। ऑफर वगैरह लगाकर वो फोन आप लोगों को 26,000 रुपीस में भी मिल जाएगा सिर्फ फास्ट सेल के लिए। अगर आप ये वीडियो फास्ट सेल के बाद देख रहे हो तो शायद प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, 30,000 रुपीस के आसपास हो जाएगा। अब बात करते हैं दोनों फोन में से कौन सा फोन बाय करना चाहिए। देखिए दोस्त, मुझे लगता है Redmi Note 12 Pro ही बाय करना चाहिए, लगभग सेम स्पेसिफिकेशन है, बस 200 मेगापिक्सल के पीछे मत भागो या 120 वाट फास्ट चार्जर के पीछे मत भागो। आप सही डिसीजन लो और Redmi Note 12 Pro ही बाय कीजिए, जबरदस्त स्मार्टफोन है। बस इसका एक माइनस पॉइंट है, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया है। Redmi का दोनों ही फोन साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, तो यहाँ पे माइनस पॉइंट है। अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देता ना तो मजा ही कुछ और होता। खैर साइड में दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि कौन सा फोन बेस्ट है, अभी आप लोग बताओ कि आप लोग कौन सा फोन खरीदोगे। क्यों आप लोग 5-6 हजार ज्यादा दोगे? दोस्तों मुझे नहीं लगता ज्यादा पैसा देना चाहिए, 5-6 हजार का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर अगर आप लोगों को लगता है कि Redmi Note 12 Pro Plus अच्छा है तो आप ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, फोन अच्छा है। बस दोनों फोन में से अगर एक फोन चुनने के लिए बोलोगे, मैं Redmi Note 12 Pro को ही चुनूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इतना मेहनत करके इतना सारा डिटेल्स कंपैरिजन लेकर आता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।